हेलो दोस्तों, नीरजा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बच्चों की फेवरेट नूडल्स मोमोज। नूडल्स मोमोज बनाने के लिए हमें किन-किन सामग्री की जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने दो प्याज जो है उसको ग्रेट कर लिया है, और ये गाजर, हमने एक गाजर इसको भी ग्रेट कर लिया है, और एक शिमला मिर्च है उसको भी ग्रेट कर लिया है, बारीक काट लिया है। ये हमने दो हरी मिर्च ली हुई है, और ये हमने जो है लहसुन लिया हुआ है इसको ग्रेट कर लिया है, अदरक है इसको भी ग्रेट कर लिया है, ये हमने हरा धनिया लिया हुआ है, और ये नूडल्स को जो है हमने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करके इसको रखा हुआ है। चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं। ऑयल देखिए हमारा गरम हो गया है। अब हम मोमोज बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें देखिए हम सबसे पहले लहसुन डालते हैं, और ये हमने अदरक डाल दिया, और ये हमने हरी मिर्च जो है काट के रखी थी वो डाल दी, इसको चला लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, प्याज को हल्का भून लेते हैं। प्याज हमारा भुन गया है, अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। इसको भी भून लेते हैं। भून लेते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसको भी भूनते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब इसमें हम नूडल्स को मिक्स करते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, आराम से इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम 1/4 थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, और विनेगर 1 चम्मच डाल देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं, और इच्छा अनुसार नमक डाल देते हैं, और इसको ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है मोमोज की, और इसको 2 मिनट और हल्का सा भून लेते हैं, और फिर गैस को बंद कर लेते हैं। दो मिनट हो गए हैं, और ये देखिए हमारी ये स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है, और इसमें हम हल्का सा धनिया डाल देते हैं। इसको भी मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। हम इसकी फिलिंग मैदे में करेंगे, तो अब हम मैदा तैयार कर लेते हैं।
अब हम मोमोज तैयार करने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा जो स्टफिंग है उसमें भी नमक है, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसको बैल जैसा बना लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा जो है सान के तैयार कर लिया है हमने, और ये हमारा डो जो है सॉफ्ट डो तैयार हुआ है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए मैंने रोटी जो है इसका छोटी सी रोटी बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए चम्मच से हमने इसमें डाला और इसको साइड से हमने दबाया, ये देखिए, और फिर इसमें चुन्नटी डाली, 3 पेड़ डालेंगे इसको। और ये देखिए ये इसको दबा देते हैं और ये देखिए हमारा मोमोज बन के तैयार है। और इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे इतने मोमोज बना के रखे हैं और इस तरह से अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं। ये देखिए सारे मोमोज हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हम एक एक करके मोमोज रख देंगे सारे। ये देखिए हमने सारे मोमोज इसमें रख दिए हैं। अब हम इसको ढक देते हैं। दस मिनट तक इसको स्टीम होने देते हैं। मोमोज हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। धीरे धीरे करके इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। देखिए वो मोमोज बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसको मोमोज की चटनी के साथ सर्व करिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए और हमारे थैंक यू।